Hassan and I'm your physics teacher. जी बेटा, आज मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। जी बेटा, आज के हमारे टॉपिक का जो टाइटल है, इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? आइए देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। जी, यहाँ मैंने जो डेफिनेशन लिखी हुई, इसमें लिखा हुआ द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि एक बॉडी की इस तरह की मोशन जिसमें वो बॉडी टू डायमेंशन में मूव कर रही हो, यानी कि टू डायरेक्शंस में मूव कर रही हो, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा हो वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो, यानी कि ग्रेविटी हो, और वो कॉन्स्टेंट वैल्यू रखती हो, राइट बेटा? इसके अलावा कोई और एक्सटर्नल एक्सीलरेशन उसके ऊपर एक्ट ना कर रहा हो और वो बॉडी टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही हो अंडर दिस एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वो ग्रेविटी की वजह से, राइट बेटा? इसकी जो एग्जांपल मैंने यहां ली है, इट इज मोशन ऑफ मिसाइल। मिसाइल जब मूव करता है तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। अगर हम वहां फ्रिक्शनल इफेक्ट को इग्नोर कर दें, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, देन वी विल से कि बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है। सेकेंड, इसकी जो एग्जाम्पल, इट इज मोशन ऑफ किक्ड फुटबॉल, यानी कि जब एक फुटबॉल को किक लगाई जाती है तो वो भी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करता है। अगर उसमें एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि वो फुटबॉल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट बेटा? इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज है। जब भी कोई बॉडी मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी टू डायमेंशन के अंदर, तो उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं, राइट बेटा? ऐसी बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करेगी उसको हम प्रोजेक्टाइल का नाम देंगे। लाइक अगर फुटबॉल को किक लगाई जाती है और वो टू डायमेंशंस में मूव करता है अंडर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन, देन वी विल से दैट फुटबॉल इज एक्चुअली प्रोजेक्टाइल विद रिगार्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट बेटा? तो यहां प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखी हुई है, एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी and it moves in two dimensions under gravity, yani ki gravity ke andar two dimension ke andar move karne wali body ko hum kya naam denge, projectile ka naam denge, kyunki wo projectile motion perform kar rahi ho. jab hum iski explanation mein aa jate hain, yahan humne two cases pose kiye hain projectile motion ke, jisme jo pehla case maine ya case 1 liya hua, it is written as projectile is thrown from a certain height, yani ki aap kisi height pe khade hain, wahan se aapne projectile, yani ki body aapke paas, let's say ball hai ya koi patthar hai aapke paas, आपने उसको सीधा हॉरिजॉन्टली, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस आपने उसको थ्रो किया है, राइट? तो इस सिचुएशन को हम देखने जा रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर उसका अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस क्या होंगे, उसको हम इस केस के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। जो है, यहां मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है। इसके अंदर मैंने एक हाइट वाई सपोज की हुई है और इस हाइट से एक बॉडी को horizontally with some initial velocity vx throw किया गया है। तो वो body जब x axis के along सीधी move कर रही होगी, तो gravitational force की वजह से वो सीधी move नहीं कर पाएगी, तो वो इस curved path को follow करते हुए नीचे आ गई। Initially उसको y axis के along कोई velocity नहीं दी गई थी, तो इसकी initial velocity along y axis क्या थी? Zero थी। यानी कि initial velocity along y axis इसकी zero थी बेटा। राइट बेटा, क्योंकि इनिशियली बॉडी को अलोंग एक्स एक्सिस थ्रो किया गया था, क्लियर? जैसे जैसे बॉडी नीचे आना शुरू हुई, वैसे वैसे उसने अलोंग वाई एक्सिस भी डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू किया, तो उसकी वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पैदा होनी शुरू होगी, जिसको हम आगे चल के देखेंगे, राइट बेटा? यहाँ एक चीज पोज की जा रही है, यहाँ ओनली एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और वो अलोंग वाई एक्सिस एक्ट कर रहा है। इसका मतलब वो अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपने एयर फ्रिक्शन को यहाँ इग्नोर किया हुआ है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग यहां किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, राइट बेटा? तो यहां मैंने वही बात लिखी है, बाय इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्ट्स ऑन प्रोजेक्टाइल। यानी कि सिर्फ ये वाली फोर्स जिसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो एक्ट कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन हम सपोज करें कि एक्ट नहीं कर रहा, हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया है।
राइट बेटा, तो यहाँ जो vx है वो कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके x एक्सिस के अलोंग किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस एक्ट नहीं कर रहा, तो x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसमें चेंज अकर नहीं होगा, तो x एक्सिस के अलोंग जो vx वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगा। और इसके साथ ही हमने इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला हुआ है जो उसने अलोंग x एक्सिस ट्रैवल किया, जिसको मैंने इस डायग्राम के अंदर x एक्सपोज किया है, O से लेकर, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जहां तक बॉडी आके जमीन पर स्ट्राइक की है। तो यहां तक अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस उसको हम निकाल लेते हैं, S इज इक्वल टू VT वाला फॉर्मूला आप लोगों ने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा हुआ है, उसी रिलेशन को यूज करते हुए हमने S को x के बराबर रखा, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है वो x है, और जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो vx है इनिशियल वेलोसिटी, और ये थ्रू आउट द डिस्टेंस चेंज नहीं हो। राइट बेटा, तो इसकी जो डिस्टेंस की वैल्यू की vx, और ये वो टाइम है जितने टाइम में वो बॉडी यहाँ इस पॉइंट तक जहां वो जाके ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही है वहां तक पहुंची। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास प्रोजेक्टाइल का जो डिस्टेंस है x, उसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब ये टू डायमेंशनल मोशन कैसे है, हम इसको यहाँ देख सकते हैं कि जब बॉडी नीचे आना शुरू होती है तो उसकी एक वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है और एक वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है, तो बॉडी x एक्सिस के अलोंग भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और नीचे आते हुए y एक्सिस के अलोंग भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि बॉडी टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। उसके साथ साथ हमने चूंकि एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है तो बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो हम कहेंगे कि बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट बेटा, जी बेटा, हम अलोंग y एक्सिस बात कर लेते हैं। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो जब भी बॉडी हाइट से नीचे की तरफ आ रही होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, a विल बी इक्वल टू g, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग y एक्सिस वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली बॉडी को अलोंग x एक्सिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई थी, तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियली वेलोसिटी मैंने यहां जीरो ले ली है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जीरो होगी। तो जो डिस्टेंस यहां ट्रेवल हो रहा है अलोंग y एक्सिस वो कैपिटल y से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपने अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कैपिटल y, उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम यहां सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे अलोंग y एक्सिस अंडर ग्रेविटी। राइट बेटा, जब मैं अलोंग y एक्सिस अंडर ग्रेविटी सेकंड इक्वेशन मोशन जो कि s is equal to vit plus half et square जिसको लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं, तो उसको अगर मैं अंडर ग्रेविटी y एक्सिस के अलोंग यहां रिप्रेजेंट करूं तो मैं उसका डिस्टेंस कैपिटल y से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि डायग्राम के अंदर मैंने उसको कैपिटल y एक्सपोज किया हुआ है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक बराबर होगा y is equal to viy into t plus half gt square। राइट बेटा, अब यहाँ थोड़ा सा गौर करें, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आपको पता है कि जीरो थी, अगर मैं यहाँ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जीरो पुट करूं तो मेरे पास ये जो रिलेशन है वो डेवलप हो जाएगा कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू vi y आपके पास जीरो है क्योंकि अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो टाइम से मल्टीप्लाई करने से आपके पास जीरो आ जाएगा, जीरो को मैंने यहां मेंशन नहीं किया तो हाफ जी टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो y इज द डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस and it is equal to what? Half gt square. Now this is equation number 2. जी बेटा, अब हम इसके second case में आ जाते हैं। Second case कुछ इस तरह का है कि जिसमें projectile को आपने throw किया है, लेकिन by making an angle theta with the horizontal axis, यानी कि x axis के साथ वो कुछ ना कुछ angle theta बना रहा होगा और इसको ground से throw किया जाए। तो कुछ इस तरह से यहाँ ground से एक body को throw किया गया, तो under gravity वो इस तरह का कुछ curved path follow करती हुई यहाँ इस point A तक पहुँच गई। राइट बेटा, अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आप थोड़ा गौर से देखें, यहाँ जो बॉडी की वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। अगर ये एक एंगल थीटा बना रही है तो इसको मैं अलहदा से अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट का आइडिया लगा सकता हूं। तो यहां आपके पास ये जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, अगर मैं इसको एज वेक्टर कंसीडर करूं तो मेरे पास इसके दो कॉम्पोनेंट आएंगे, एक वी आई एक्स और एक वी आई वाई। Vx निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप cos theta की trigonometric ratio निकालेंगे जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 में देखी हुई है। तो उसके जरिए अगर हम x कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, आपको पता है कि वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और cos of theta के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो vi cos of theta के बराबर आएगा। राइट बेटा, और उसके अलावा अगर मैं vi y निकालना चाहता हूं तो वो vi sin of theta के बराबर आएगा। ये किस तरह से आए हैं, आप चैप्टर नंबर 2 पे इसके कंपोनेंट्स निकालना सीख चुके हैं, वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जिस तरह से निकाला जाता है उसी तरह से यहां इनिशियल वेलोसिटी vi के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अलोंग x एक्सिस अगर मैं बात करूं तो vi x जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है वो vi cos of theta के बराबर होगी, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है जो मैं यहां इस डायग्राम के अंदर आपको फाइंड करके दिखा चुका हूं। VFX की अगर हम बात करें तो VFX और VAX आपस में बराबर होंगे। क्यों?
क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि लॉन्ग एक्स एक्सिस किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्ट नहीं कर रही, तो लॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, जो ऑलरेडी यहां इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज अलोंग एक्स एक्सिस बराबर होंगी, जो कि वी आई कॉस ऑफ थीटा के बराबर ही रहेगी। क्यों? उसका रीजन मैंने यहां लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, राइट बेटा। इसके बाद अगर हम अलोंग वाई एक्सिस की बात करें, अलोंग वाई एक्सिस अगर देखें तो वी आई वाई विल बी इक्वल टू व्हाट? वी आई साइन ऑफ थीटा। तो वी आई साइन ऑफ थीटा आपके पास इस डायग्राम से आपको नजर आ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा, राइट बेटा। इसके बाद अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिवेलप करके निकाल सकता हूं। किस तरह से? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को अलोंग वाई एक्सिस यहां रिप्रेजेंट करूं कुछ इस तरह से, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी को लिखा गया है। आपको पता नहीं ये फॉर्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ बराबर आ जाएगा वी एफ वाई अलोंग वाई एक्सिस, और वी आई वाई आ जाएगा ये वी आई की जगह, और ये माइनस जी टी क्यों है? क्योंकि बॉडी इनिशियली ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जाने की वजह से उसकी डायरेक्शन चूंकि अपवर्ड है, तो यहाँ नेगेटिव साइन जी के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अंडर ग्रेविटी रिप्रेजेंट किया था, राइट बेटा। इसके बाद वी एफ वाई को निकालने के लिए वी आई वाई की वैल्यू पुट की जाएगी, और वी आई वाई आप यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर है। अगर मैं यहाँ वी आई साइन ऑफ थीटा पुट करूं तो मेरे पास ये माइनस जी टी आ जाएगा, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी, जो कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, राइट बेटा। इसके बाद मैं फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं। आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहते हैं उसके एक्स और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर उसका अंडर रूट ले लिया जाता है, राइट बेटा। इसी तरह से अगर मैं फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूं, फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और ये अंडर रूट उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों की वैल्यूज मैं निकाल चुका हूं, वी एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है कि वो सेम रहेगी, और वो आपने ऑलरेडी यहां बताई हुई कि वो किसके इक्वल है, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा, तो ये वी आई कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर आ गया, राइट बेटा। वी एफ वाई की वैल्यू आप अभी अभी निकाल के, तो वी एफ वाई की वैल्यू क्या है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, तो उसको मैं यहां पुट करूंगा, इसको स्क्वायर लूंगा, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन नंबर 7 आई है ये फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, राइट बेटा। इसके बाद मैं इसी फाइनल वेलोसिटी का बनने वाला एंगल एक्स एक्सिस का निकालना चाहता हूं। आप इनिशियल वेलोसिटी का एंगल दे चुके हैं वो थीटा है, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी का बनने वाला जो एंगल है उसको यहां आपकी बुक में फाई से कंसीडर किया गया है, और आपको बताया कि अगर आपने वेक्टर का एंगल निकाला है तो उसको टेन थीटा से निकाला जा सकता है। अगर यहाँ टेन फाई लिया जाए तो वो बराबर आएगा वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, तो यहां से टेन को उधर ले जाते वो टेन इनवर्स हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है और फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ये आप निकाल चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है आपने अभी भी निकाला, जो कि वी आई साइन थीटा माइनस जी टी है, उसको मैंने यहाँ पुट किया। वी एफ एक्स का फाइनल कंपोनेंट आपके पास वही है जो कि आपके पास वी एक्स का था, जो कि वी आई कॉस ऑफ थीटा जो मैंने यहाँ पुट किया। तो इस तरह से इन वैल्यूज का टेन इनवर्स लेके आप फाई यानी कि फाइनल वेलोसिटी का अलोंग एक्स एक्सिस बनने वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।